सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा कि फ्लैश ने मॉडर्न ब्रदर्स को खत्म कर दिया था और वो सिटी के लोगों की हिफाजत करने लगा था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सिटी में एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और वहाँ कुछ लोग फंस गए थे, तो फ्लैश सिस्को की मदद से उस जगह पहुँच जाता है और वहाँ सभी लोगों को सेफली बचा लेता है। तभी वहाँ सिस्को की लैब में कैथलीन आ जाती है, जो जब देखती है कि सिस्को और बेरी मिलकर लोगों को बचा रहे हैं तो बेरी को स्टार लैब में बुलाती है, जहाँ वो बेरी पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम इस तरह से लोगों को नहीं बचा सकते, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो बेरी उसे कहता है कि हमने यही तो तय किया था कि मैं मेरी फास्ट स्पीड से सभी की मदद करूंगा। तो कैथलीन उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम उन सभी मेटा ह्यूमन को ढूंढोगे जिस पर उस ऊर्जा का असर हुआ था, लेकिन हमें मार्डन के बाद एक भी मेटा ह्यूमन नहीं मिला है। तो बेरी कैथलीन की बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि यहाँ के लोगों को मदद की जरूरत है और हम मिलकर उन्हें बचा सकते हैं। तो कैथलीन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सिस्को बेरी से कहता है कि क्या आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, क्योंकि मुझे तुम्हारे सूट से पता चला है कि तुम्हारी धड़कन कुछ सेकंड के लिए बढ़ गई थी। तो बेरी उसे कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तभी बेरी को जोए का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि यहाँ एक गन शॉप में किसी ने एक मर्डर कर दिया है, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि बेरी एक फोरेंसिक साइंटिस्ट होता है। बेरी जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाता है, लेकिन वो अपने कपड़े चेंज करना भूल जाता है, इसीलिए वो वहाँ एक शॉप में कपड़े खरीद कर उस गन शॉप में पहुँचता है, जहाँ जोए को पता चलता है कि चोर अपने साथ बहुत सारी बंदूकें लेकर गया है। वो जब सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक ही आदमी था, लेकिन जब बेरी वहाँ की चेकिंग करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नहीं बल्कि छह लोग थे, क्योंकि वहाँ छह लोगों के जूतों के निशान थे। मगर अजीब बात ये थी कि सभी जूतों का साइज 10 नंबर थी, इससे बेरी को कुछ समझ नहीं आता। फिर बेरी लैब में जाकर उन सभी सबूतों की जाँच करने लग जाता है। वो अपनी पावर का भी यूज करता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ आयरिस भी आ जाती है। वो बेरी से कहती है कि हमें यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी साइमन स्टेज को एक अवार्ड देने वाली थी और आयरिस को वहाँ जाकर साइमन स्टेज का इंटरव्यू लेना था, क्योंकि वो एक रिपोर्टर होती है जो बेरी के कहने पर ही रिपोर्टर बनी थी, क्योंकि बेरी ने उसे कहा था कि उसे साइंस के सारे रूल समझा देगा ताकि वो ठीक से इंटरव्यू ले सके। लेकिन बेरी फ्लैश बनने के बाद से बहुत बिजी हो गया था, इसीलिए आयरिस को कहता है कि मैं भूल गया। फिर वो दोनों उस फंक्शन में पहुँचते हैं जहाँ साइमन स्टेज को अवार्ड दिया जाता है। साइमन स्टेज एक साइंटिस्ट होते हैं जो सेलुलर क्लोनिंग पर काम कर रहे थे और वो स्टेज इंटरप्राइजेस के सीईओ होते हैं। आयरिस उनसे क्वेश्चन पूछने लगती है, लेकिन उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ छह गुंडे आ जाते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जिन्होंने गन शॉप में मर्डर किया था और वहाँ से बंदूकें चुराई थी। वो वहाँ सभी की ज्वेलरी लूटने लगते हैं। बेरी भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो आयरिस के साथ था इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। एक गार्ड उन चोरों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर गार्ड पर गोली चला देते हैं। तभी बेरी फुल स्पीड में दौड़कर उस गार्ड को बचा लेता है और उन चोरों को पकड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी चक्कर आने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है, जिससे वो सभी चोर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बेरी की आँख खुलती है तो आयरिस उसके सामने होती है। आयरिस उसे कहती है कि तुम वहाँ से कैसे गायब हो गए थे, तो बेरी उसे झूठ कह देता है कि वो उन गुंडों की गाड़ी का नंबर देखने के लिए बाहर भागा था और वो बेहोश हो गया। फिर वो जोए और एडी के पास आते हैं, क्योंकि वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। गार्ड उन्हें बताता है कि वो गुंडे मुझे गोलियों से मारने वाले थे, लेकिन तभी मैं अचानक बाहर था। तो जोए से समझ जाते हैं कि बेरी ने उसे बचाया है। वो बेरी को अपने साथ लेकर जाते हैं। बेरी जोए को कहता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने आज सुबह गन शॉप में चोरी की थी। जोए उसे कहते हैं कि तुम्हें उन चोरों के पीछे नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि बुरे लोगों को पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है बल्कि मेरा है, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो बेरी उनसे वादा करता है। फिर बेरी जब स्टार लैब में जाता है तो कैथलीन बेरी पर बहुत गुस्सा होती है कि तुमने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा कि तुम बेहोश हो रहे हो, क्योंकि इसे बेरी को हार्ट अटैक भी आ सकता था। फिर वो सभी बेरी के टेस्ट की तैयारी करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि बेरी को चक्कर क्यों आ रहे हैं। सिस्को ने बेरी के लिए एक खास तरह की ट्रेडमिल बनाई थी जो बहुत ही फास्ट थी। बेरी उस ट्रेडमिल पर फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। फिर वो सभी बेरी के हेल्थ के बारे में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेरी का ग्लूकोज लेवल कम है। इससे वो समझ जाते हैं कि बेरी ग्लूकोज की कमी की वजह से बेहोश हो रहा है। वो बेरी को रुकने को कहते हैं, जिससे बेरी पीछे टकरा जाता है। वहीं डिटेक्टिव जो है जब लैब में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बेरी वहां नहीं होता, लेकिन उन्हें वहां स्टार लैब की टी शर्ट दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बेरी जरूर स्टार लैब गया होगा। वहीं बेरी की जब आँख खुलती है तो कैथलीन उसे बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे क्योंकि तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज की कमी है। तो सिस्को उसकी नई डाइट बनाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ग्लूकोज की 40 बोतलें चढ़ानी होगी क्योंकि तुम्हें ग्लूकोज की बहुत कमी है। तभी वहाँ जो
जोए भी आ जाते हैं। हैरिसन उन्हें कहते हैं कि बेरी हमारे साथ काम कर रहा है और हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो जोए उसे कहते हैं कि अगर तुम सच में बेरी की मदद करना चाहते हो तो तुम बेरी को रोकते, क्योंकि गुंडों को पकड़ना या लोगों को बचाना इसका काम नहीं है। जोए ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो बेरी को अपने बेटे की तरह मानते थे और उन्होंने बेरी के डेट के जेल जाने के बाद से उसे पाला था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि बेरी की किसी को बचाने में जान चली जाए। तो बेरी जोए को कहता है कि आपको वो आदमी याद है जो मौसम को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे आदमी को आप और आपकी पुलिस नहीं रोक सकती। और उस रात जो धमाका हुआ था उससे साबित होता है कि उसके जैसे बहुत से लोग होंगे। तो जोए उसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम तेज भाग सकते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बेरी जोए को कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और आप मेरे पापा नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जेल में है और उन पर गलत इल्जाम लगाया गया था। इसीलिए अगर मैं अपने डेट को नहीं बचा सकता तो मैं कम से कम उन लोगों की मदद तो कर ही सकता हूँ जो मुसीबत में है, और मैं ऐसा जरूर करूँगा। इससे जोए बहुत सेड हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें उस चोर को दिखाया जाता है जो साइमन स्टेक के सिक्योरिटी हेड मिस्टर जावा से मिलने आया होता है, क्योंकि वो कुछ भी करके साइमन स्टेक को मारना चाहता था। और वो चोर और कोई नहीं बल्कि डेंटन ब्लैक होता है जो कि एक साइंटिस्ट था, और वो पहले साइमन स्टेक के साथ एक क्लोनिंग पर काम कर रहा था, लेकिन साइमन स्टेक ने उसकी खोज चुरा ली जिसकी वजह से ही वो अब साइमन स्टेक को मारना चाहता है। वो जावा से साइमन की सारी जानकारी मांगता है, लेकिन जावा उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अकेला है। तभी ब्लैक खुद से अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वो भी एक मेटा ह्यूमन होता है। वो अपने सारे क्लोन से जावा पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। वहीं फिर अगले दिन हमें जोए को दिखाया जाता है जो बेरी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात साइमन के सिक्योरिटी हेड का मर्डर हो गया है। फिर वो उसे कुछ सबूत देकर कहते हैं कि हो सकता है कि ये सबूत हत्यारे के ही हो। ये कहकर वो स्टेक से पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ आयरिस भी आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम परेशान क्यों हो और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन बेरी उसे कुछ नहीं बताता और वो जोए के दिए गए सबूतों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कल रात जिसने जावा का मर्डर किया था उसके स्किन सेल्स बहुत अलग है जो खुद की बॉडी को बहुत सारे क्लोन में बदल सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए और एडी मिस्टर स्टेक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि डेंटन ब्लैक ने आप पर केस किया था, लेकिन उस केस की सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए शायद वो आपको मारना चाहता हो। तो स्टेक कहते हैं कि वो मुझे नहीं मार सकता क्योंकि वो कोई किलर नहीं है। तभी वहाँ ब्लैक अपने दो क्लोन के साथ आ जाता है और उन तीनों पर फायरिंग करने लगता है। एडी स्टेक को लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि उनकी जान बचा सके। तभी जोए देखते हैं कि ब्लैक एक मेटा ह्यूमन है जो खुद के क्लोन बना सकता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। ब्लैक उन्हें मारने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फ्लैश पहुँच जाता है और वो जोए को बचाकर बाहर ले आता है। फ्लैश ब्लैक को कहता है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, लेकिन ब्लैक कहता है कि जब तक साइमन मर नहीं जाता तब तक मैं खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो फ्लैश ब्लैक को मारने लगता है, लेकिन फ्लैश अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और बेरी पर अटैक कर देता है। बेरी उन सभी के सामने बहुत कमजोर पड़ जाता है। ब्लैक बेरी को शूट करने लगता है, लेकिन बेरी अपनी फुल स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। वो स्टार लैब पहुँचता है जहाँ कैथलीन उसका इलाज करती है। बेरी उन्हें कहता है कि मैंने ब्लैक को खुद के क्लोन बनाते हुए देखा। तो हैरिसन उन्हें बताते हैं कि हो सकता है कि जब वो उस रात क्लोनिंग पर रिसर्च कर रहा होगा तो वो उस दिन कनार गुर्जा की चपेट में आ गया होगा, जिससे वो मेटा ह्यूमन बन गया है। बेरी को कुछ समझ नहीं आता है। उसे लगता है कि वो ब्लैक को नहीं रोक सकता, इसीलिए वो सभी को कहता है कि जोए सही कह रहे थे कि मैंने खुद को ज्यादा ही समझ लिया था, क्योंकि मैं एक इंसान से सही से लड़ नहीं पाता तो मैं ब्लैक को कैसे रोकूंगा, क्योंकि उसके पास तो पूरी फौज है। तो हैरिसन उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम हार गए और हर बड़े काम में यही होता है। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ गलती कर रहा था। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत उदास होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि हैरिसन जोए से मिलने आते हैं। हैरिसन जोए को कहते हैं कि सिर्फ हम ही सेंट्रल सिटी को मुसीबत से बचा सकते हैं। तो जोए उन्हें कहते हैं कि मैं सिर्फ बेरी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो उसे हीरो बनाने के चक्कर में मुसीबत में डाल दिया है। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अब ये काम छोड़ दिया है। इससे जोए बहुत हैरान होते हैं। हैरिसन उन्हें कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन वो बार बार अपने दुश्मन से हार जाएगा क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। इसीलिए जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करोगे वो खुद पर भरोसा नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें बेरी को दिखाया जाता है। वो आयरिस से मिलने आता है ताकि वो उसके आर्टिकल में मदद कर सके, जहाँ आयरिस उसे बताती है कि मुझे टॉपिक मिल गया है जो संजानी ताकत का है जो सिटी में सभी लोगों को बचा रहा है। तभी बेरी को कैथलीन का कॉल आता है और उसे फौरन स्टार लैब बुलाती है। बेरी
भी बहुत स्पीड में स्टाइले पहुंचता है, जहां वो डेंटन ब्लैक को देखकर काफी घबरा जाता है। तो केदिन उसे बताती है कि असली डेंटन ब्लैक नहीं है, ये उसका क्लोन है जिसे खुद मैंने तुम्हारे सूट पर मौजूद ब्लैक के ब्लड सैंपल से बनाया है। लेकिन बेरी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्लोन मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो एरिसन उसे कहते हैं कि ये क्लोन बिना ब्लैक के काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने इसका दिमाग स्कैन किया था तो हमें उससे पता चला कि इन क्लोन का दिमाग रिसीवर की तरह काम करता है। तो कैथलीन बेरी को कहती है कि इसका मतलब ये है कि अगर असली ब्लैक को पकड़ लिया जाए तो ये सारे क्लोन बंद हो जाएंगे। तो बेरी उससे पूछता है कि मैं असली ब्लैक को कैसे पहचानूंगा। तो कैथलीन उसे बताती है कि ब्लैक को एक साथ बहुत सारे क्लोन को काबू करने के लिए ढेर सारी ताकत की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक तुम्हें सबसे ज्यादा थका हुआ लगे तुम्हें उसे ही पकड़ना है, वही असली ब्लैक होगा। फिर सिस्को बेरी को एक प्रोटीन बार देता है ताकि बेरी की ताकत बरकरार रहे। तभी अचानक ब्लैक का क्लोन एक्टिवेट हो जाता है, मगर तभी जोए वहां आकर उसे शूट कर देते हैं। बेरी एरिसन से पूछता है कि क्लोन एक्टिवेट कैसे हुआ। तो एरिसन उसे बताते हैं कि जरूर ब्लैक कहीं जा रहा होगा और जरूर ये उसी का पीछा कर रहा है। फिर जोए सभी से कहते हैं कि ब्लैक साइमन को मारने जा रहा है। तो बेरी उन्हें कहता है कि आपको पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। तो जोए उसे कहते हैं कि पुलिस भी उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि वो अब मार्डन जैसा बन गया है, इसीलिए सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। बेरी को इससे काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपना सूट पहनकर स्टेक इंडस्ट्रीज की तरफ निकल जाता है। वहीं ब्लैक स्टेक इंडस्ट्रीज पहुंचकर वहां के सारे गार्ड को मार देता है और फिर वो साइमन को भी मारने लगता है। लेकिन तभी फ्लैश वहां पहुंचकर साइमन को बचा लेता है और उन्हें एक सुरक्षित जगह छोड़ देता है। ब्लैक के बहुत सारे क्लोन साइमन को ढूंढ रहे होते हैं, ब्लैक के क्लोन फ्लैश को मारने लगते हैं, लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से उन सभी से बचता हुआ उन्हें मारने लगता है। ब्लैक फ्लैश को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब अपनी नौकरी के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये अपनी वाइफ एलिजाबेथ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ को दिल की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। कई सालों तक उसका इलाज चला लेकिन कुछ नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने उसके लिए क्लोनिंग से एक नया हार्ट बनाने का डिसाइड किया। मैं कामयाबी के बहुत करीब था, लेकिन उससे पहले साइमन ने मेरी खोज चुरा ली ताकि उसे नाम और शोहरत मिले, लेकिन इससे मेरी वाइफ की डेथ हो गई। फिर ब्लैक गुस्से में अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर फ्लैश पर अटैक करने लगता है, वो फ्लैश को बहुत मारता है। फ्लैश उन सभी से बचकर वहां से निकलता है। तो कैथलीन उसे बताती है कि तुम असली ब्लैक को ढूंढना है। तो बेरी उन सभी को कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह नामुमकिन है। तो जोए उसे हौसला देते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बेरी को इससे बहुत जोश आ जाता है और वो ब्लैक के सारे क्लोन पर अटैक करके उन सभी में से असली ब्लैक को ढूंढने लगता है। तभी उसे असली ब्लैक नजर आ जाता है, क्योंकि उसे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बेरी उसे पकड़कर उस पर अटैक करता है, जिससे ब्लैक बेहोश हो जाता है और सारे क्लोन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। तभी ब्लैक होश में आ जाता है और वो बेरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन बेरी उसके सामने से हट जाता है, जिससे ब्लैक बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। मगर फ्लैश उसे पकड़ लेता है, लेकिन ब्लैक अब जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद ही अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोए बेरी से मिलने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम गलत हो, कि तुम लोगों को इसलिए बचा रहे हो क्योंकि तुम अपने डेट को बचा नहीं पाए, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें बचा सकते हैं और हम ये पता लगा कर रहेंगे कि वो कौन था जिसने तुम्हारी मोम का कत्ल किया, और हम तुम्हारे पापा को जेल से बाहर निकलवाएंगे। बेरी इससे काफी खुश होता है। वो जोए से कहता है कि आप मेरे पापा से कहीं बढ़कर है, क्योंकि आपने मेरा बचपन से ख्याल रखा है। इससे वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो साथ में पिज्जा खाते हैं। इसी के साथ एपिसोड सेकंड यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें हैरिसन का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है, जहां हैरिसन साइमन से मिलने जाते हैं, जहां साइमन हैरिसन को कहता है कि वो लाल मास्क वाला इंसान बहुत कमाल का था, इसीलिए अगर वो किसी तरीके से हमारे हाथ लग जाए तो हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन तभी हैरिसन व्हील चेयर पर खड़े हो जाते हैं और वो एक चाकू को साइमन के सीने में घुसाकर कहते हैं कि फ्लैश का जीना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये कहकर वो साइमन को मार देते हैं और यहीं पर ये एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।